मुझे लगता है कि एक बात को तो आप समझ चुके होंगे कि आप करंट अफेयर्स कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी आप लोग बुक्स पढ़ लीजिए, अगर मुझे लगता है कि आप अगर क्वेश्चंस पकड़ना नहीं सीख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखता हूँ कि आप सोचिए कि आज चलिए हम लोग क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी के बारे में जानेंगे विस्तार से। अब ठीक है, करंट में आपने देखा है कोई न्यूज़पेपर आप लिए होंगे, उसमें आपने देख लिया, पढ़ लिया इसके बारे में, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में तभी फीड हो जाना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे मेंस में इस तरह का पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। देखिए वनडे एग्जाम के लिए तो आपका कई तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो अगर इसे आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें तो आप हो जाएंगे, लेकिन सिविल सर्विस में या स्टेट पीसीएस में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे किस तरह से आप सॉल्व करेंगे उसे भी मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी, आपने देखा होगा कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने क्वांटम अवस्था की आकलन के लिए एक नए तरीके का पता लगाया है जो महत्वपूर्ण क्वांटम कार्य विधि को सरल बनाता है। क्या होता है आखिर क्वांटम प्रौद्योगिकी जिसकी बात की जा रही है? क्वांटम ब्रह्मांड के मूल कणों का अध्ययन करता है। क्वांटम ब्रह्मांड के मूल कणों का अध्ययन करता है जो अणु से भी छोटे होते हैं, लेकिन ये अति सूक्ष्म कण अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं जिन्हें एडवांस गणित से ही समझा जा सकता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पर निर्भर रहती है। व्यवहारिक अनुप्रयोगों के बारे में बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसर, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सिमुलेशन, क्वांटम मेट्रोलॉजी, क्वांटम इमेजिंग, क्वांटम यांत्रिकी, विशेष रूप से क्वांटम इंटैगलमेंट और क्वांटम सुपर स्पेशलिटी और क्वांटम टनलिंग के गुणों पर आधारित है आपका। अब बात करते हैं क्या है आखिर क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी। क्वांटम अवस्थाओं में बदलाव के लिए नई तकनीकों के साथ प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों ने इन अवस्थाओं की विशेषताएं जानने और अनुमान लगाने के लिए एक नई तरीके की खोज की है। क्वांटम अवस्थाओं की विशेषताएं निर्धारित करने की इस विधि को क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी का नाम दिया गया है, जिसका उपयोग कंप्यूटिंग, संचार, मेट्रोलॉजी के लिए किया जा सकता है जो इन बदलाव या जोड़ तोड़ का सरल बना देगा। इससे क्वांटम प्रौद्योगिकी की कई महत्वपूर्ण कार्यविधियां भी आसान हो जाएंगी। यह कार्य आंशिक रूप से डीएसटी के क्यू यू ईएसटी नेटवर्क कार्यक्रम द्वारा समर्थित है। इसे जनरल फिजिकल रिव्यू लेटेस्ट में प्रकाशित के लिए स्वीकार भी किया गया है। अब आपने देखा होगा रमन इंस्टीट्यूट क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। रमन इंस्टीट्यूट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान है। यह प्रसिद्ध आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान आपके बेंगलोर में देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा निजी संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से निधि प्राप्त करने हेतु सन 1972 में RRI को सहायता प्राप्त स्वायत्त अनुसंधान के रूप में पुनर्गठित किया गया है। अब सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ रमन साहब के बारे में, सीवी रमन साहब के बारे में, जिन्हें आप लोग चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से जानते हैं। तो इन्हें इनका जन्म की बात करूं तो 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। इनकी डेथ होती है 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। इनका संबंध भौतिकी से अधिक बार रहा है, ठीक है। और इन्हें बात करूं तो कई बार इन्हें एक बार नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न भी दिया जा चुका है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी, और उसके बाद आप लेनिन पीस प्राइज भी इन्हें दे चुके हैं, और कई तरह के इसके इस तरह के इन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि बनेगा कैसे आखिर, हमने पढ़ लिया सब, तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए रमन साहब के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन, करंट में ही जोड़ देगा उसे, ठीक है। और या तो आपको जो क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी की बात की जा रही है इससे भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है। अगर आपसे पूछे कि रमन
अभी हाल ही में आपने देखा है कि क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी चर्चा में था। ये किस लिए बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे कि ये इसका उपयोग किस किस के लिए हो सकता है? तो आप कहेंगे कंप्यूटर, संचार और मेट्रोलॉजी के लिए इसका उपयोग हो सकता है। फिर आपसे पूछ ले कि एक किस संस्थान के द्वारा मतलब बनाया जा रहा है, कथन दे देगा दो तीन चार कथन। तो आप कह देंगे रमन इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपसे पूछ सकता है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1948 में। अगर आपसे पूछे कि किसने इसकी स्थापना की थी, तो आप कहेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब। एक कहाँ है? तो आप कहेंगे बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में। कहाँ? बंगलुरु में, बेंगलोर में। ठीक है, अब इस ये आपसे क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहेगी। आपको अगर घुमाने के लिए वो चेन्नई दे देगा कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है या दिल्ली में है, इस तरह की घुमाने वाले क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से पकड़ना सीखना चाहिए क्वेश्चन। पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था या नहीं मिला था, कई तरह के नोबेल पुरस्कार भी पूछ लेगा। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस निर्धारित करना मुश्किल रहता है, इसलिए हर पक्ष को आप लोग देख लिया करेगा बड़े अच्छे से। ठीक है,